हेल्पेज इंडिया के डे केयर सेंटर खलीनी में हेल्पेज इंडिया संस्था द्वारा बुजुर्गों को कई सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में लॉयनेस क्लब शिमला भी हेल्पेज इंडिया को सहयोग दे रहा है। यह जानकारी मीडिया को हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश नेगी ने दी। जैसे कि हेल्पेज इंडिया द्वारा NHM के साथ मिलकर जो शिमला मंडी और धर्मशाला में हमने एक मल्टीपर्पज़ डे केयर सेंटर जो सीनियर सिटीजन्स के लिए खोला था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं बुज़ुर्गों के लिए। खासकर ऐसे बुज़ुर्ग जो हमारे, अगर शिमला की बात करें तो कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं कि जो उनके लिए कोई ऐसा कोई स्पेस नहीं था बैठने के लिए, अपने जहाँ पर डिग्निटी के साथ रिस्पेक्ट के साथ बैठ सके। जब से जो डे केयर सेंटर खुला हुआ है यहाँ पे शिमला में और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी, तो जो शिमला और जो खलेनी के और यहाँ से शिमला के जो सिटी के सभी सीनियर सिटीजन रिटायरीज यहाँ पे आते हैं, दिन भर गपशप मारते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, TV देखते हैं और साथ में उनका हेल्थ चेकअप होता है वीकली और फिजियोथेरेपी डेली होता है। तो साथ साथ में हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आके हमारे यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है, जो मेंबर्स हैं डे केयर सेंटर में, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ बैठ के कुछ सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं। तो आज भी यहाँ पे एवरी मंथ यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके, जो जिनका भी बर्थडे रहता है कोई भी है, तो उनका यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन भी होता है। तो आज मैं थैंक्स करना चाहता हूँ लायनेस क्लब के जो उनके जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मिसेस चांदना जी, और उनके जो मेंबर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे, और लायनेस क्लब द्वारा भी हेल्पेज इंडिया को जो यहाँ पे हमारे जो सीनियर सिटीजन के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर, उनके लिए एक 5-in-1 एक कॉम्बो एक फिजियो इक्विपमेंट है, वो भी हमें आज लायनेस क्लब की तरफ से दिया गया है ताकि बुज़ुर्गों की सेवा कर सके। साथ में आज हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन भी है, 3 बुज़ुर्गों का यहाँ पे महिला बुज़ुर्ग है और उनका सेलिब्रेशन भी होगा। तो ऐसे एक्टिविटीज़ मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चे काम करने चले जाते हैं और बुज़ुर्ग अकेले घरों में रहते हैं। तो ऐसे डे केयर सेंटर्स, तो मैं हमेशा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हर सिटी में, शिमला में ही 4-5 डे केयर सेंटर्स होना चाहिए बुज़ुर्गों के लिए, जहाँ पे बुज़ुर्ग आए और अपने जो एक क्वालिटी टाइम है जो रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे बिताए, और अपना जो हम लोग बोलते हैं ना उसका लोनलीनेस और जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसा डे केयर सेंटर एक बहुत बड़ा एक औषधि और दवाई का काम कर रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम्स हमारे जो हिमाचल में अलग अलग स्थान पर जहाँ जहाँ पे हमने डे केयर सेंटर्स खोले हैं, बुज़ुर्गों के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैं आज हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनका आज बर्थडे है, उनको मैं हेल्पेज इंडिया की तरफ से और बाकी जितने भी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हिमाचल, उनकी तरफ से उनके जो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और वो हमेशा स्वस्थ रहें और खुशी से रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।